उधर अलवर के खेरली थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा की भतीजे और निजी सहायक पर आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने दर्ज मामले में आरोपी वीरेंद्र बैरवा उर्फ वीरो पर आरोप लगाया है कि वो उस पर गंदी नजर रखता था। इधर उधर की बातें करके स्वयं को एमएलए का भतीजा और निजी सहायक पीए बताकर आंगनवाड़ी में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया और एक दिन पति की गैर मौजूदगी में धोखे से दुकान में घुसकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, मोबाइल से अश्लील वीडियो और फोटो लेकर किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने, पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया है कि आरोपी के डर से उन्होंने दुकान छोड़कर गांव में रहना शुरू किया। पीड़िता का आरोप यह भी है कि इस बाबत जब रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तो खेरली थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और इस पर पुलिस अधीक्षक को पीड़िता ने रिपोर्ट दी है। इनके निर्देश पर खेरली थाने में मामला दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, पूरा मामला जो है वो गंभीर यहां पर नजर आया है। विधायक के भतीजे पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जबरन शारीरिक संबंध बनाने समेत अश्लील वीडियो बनाकर साझा करने के भी आरोप है। साथ ही बच्चों और पिता को, पति को जान से मारने की धमकी देने का भी यहां पर आरोप लगा है। अब पुलिस में मामला दर्ज करवाने के लिए पीड़िता पहुंची थी। आरोप ये भी है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और उसके बाद फिर एसपी के पास हो गई गुहार लगाई और फिर उसके बाद एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ है। पूरा मामला बताया जा रहा है कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के भतीजे पर, और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी स्वदेश कपिल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। स्वदेश, पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं विधायक के भतीजे पर। स्वदेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गंभीर मामला सामने आ रहा है अलवर से, जहां पर कठुमर से विधायक बाबूलाल बैरवा के भतीजे और निजी सहायक पर यानी कि पीए पर आरोप लगे हैं कि आंगनवाड़ी में नौकरी का झांसा देकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। इसके साथ ही अगर किसी को बताया तो बच्चे और पति को मारने, जान से मारने की भी धमकी दी गई है। जब पुलिस के पास पीड़िता पहुंची शिकायत करवाने तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, उसके बाद एसपी से गुहार लगाई और एसपी के निर्देश पर पूरा मामला अब दर्ज हुआ है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है, महिला को धमकाया गया, मारपीट करने का भी आरोप लगा है, परिवार को जान से मारने की धमकी भी साथ में दी गई है। बड़ा मामला अलवर से सामने आया है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है, पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और अब छानबीन की जा रही है। आंगनवाड़ी में नौकरी का झांसा देकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। और पीड़िता ने बताया है कि जो आरोपी है वीरेंद्र बैरवा उर्फ वीरू, उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो गंदी नजर रखता था और इधर उधर की बातें करके ये कहता था कि एमएलए का भतीजा है, निजी सहायक है, ये बताकर उसने आंगनवाड़ी में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था पीड़िता को। और बताया ये जा रहा है कि जब पति घर पर मौजूद नहीं था तो वो धोखे से दुकान के अंदर घुसा, जबरदस्ती उसने शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उस वक्त उसने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो बना लिया, फोटो लिया और फिर किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। और इस पूरे मामले को लेकर सहयोगी स्वदेश हमारे साथ, स्वदेश कपिल जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। स्वदेश, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे क्योंकि गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं विधायक के भतीजे पर, साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगे कि पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया था पहले। बिल्कुल अंकुर, बताते आपको बता देता हूँ मैं कि ये मामला करीब एक डेढ़ साल से चल रहा है क्योंकि इस पर पॉलिटिकल दबाव था विधायक जी का, इसलिए मामला दर्ज नहीं हो पा रहा। और जो पीड़ित महिला है वो वहाँ खेड़ली में लोकल ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आने जाने के दौरान इनकी जानकारी हुई और इसने आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने के नाम पर उससे दोस्ती की। कुछ दिनों बाद ही उससे इस जो वीरेंद्र वीरू नामक व्यक्ति है, सो कॉल्ड, जो अपने आप को विधायक जी का पीए और भतीजा बताता है,
क्योंकि उन्हीं के गांव का है, इन्होंने झांसी में लेकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसका शोषण करता रहा और वीडियो बना लिए ब्लैकमेल करने के लिए। जब वो औरत वहां से खाली करके चली गई परेशान होकर, उसने अपने पति को बताया तो एक डेढ़ महीने बाद फिर पहुंचा, फिर उसको मारपीट किया उसके पति के साथ, वो मामला थाने में दर्ज हुआ क्योंकि विधायक का मामला है, कांग्रेस की सरकार है और ये मामला दर्ज नहीं हो पाया। कल पीड़िता एसपी से आकर मिली और ये मामला दर्ज हुआ। तो एसपी से गुहार लगाने के बाद अब जाकर ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सुदेश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।